हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो है हम लोग समोसे इंजॉय कर रहे हैं, एंड ये समोसे जो है बाहर से आए हुए हैं। जब से जो है लॉकडाउन चालू हुआ है मार्च से, तब से जो है हम लोगों ने बाहर का कुछ भी नहीं लाया था। जो भी कुछ खाने का मन कर रहा था हम लोग घर में ही बना के खा रहे थे। इवन समोसे भी जो है मैंने दो बार जो है समोसे घर में ही बनाए, बट घर में बनाने में जो है वो इतना तामझाम हो जाता है बहुत, मतलब जो बनाता है उस इंसान को जो है खाने का, मतलब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। बहुत तामझाम हो जाता है इन सारी चीज़ों को बनाने में, बट फिर भी मैंने दो बार जो है विवेक की हेल्प के साथ जो है बनाए थे समोसे। बट आज जो है मुझे बाहर के खाने के मन हो रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज जो है मैं फिर से एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, एंड आज जो है सुबह सुबह उठते ही जो है मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं कोई स्पाइसी, कोई चटपसा, कुछ कुछ खाऊँ। तो इस वजह से जो है मैंने विवेक से कहा कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था। विवेक कह रहे थे कुछ से मतलब तुम नाम बताओ तभी मैं ला पाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे सांभर वड़ा मेन खाना था, बट अभी तो नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा कि समोसे चल जाएंगे। तो फिर विवेक ने जाके ढूंढ के, विवेक जो है वो ढूंढ के एक होटल से जो है समोसे लेके आए थे, एंड हम लोगों ने समोसे वमोसे खाए। एंड अभी जो है मुझे लंच बनाना बाकी है। विवेक जो है नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो विवेक वहाँ लेट गए हैं। पीकू भी उनके साथ लेट के जो है हनी बनी देख रही है। तो आजकल जो है पीकू कार्टून देखते रहती है, इसके थोड़ी देर के बाद में पीकू फिर पढ़ाई करेगी। तो अभी जो है थोड़ी देर के बाद में फिर वो पढ़ाई करेगी, थोड़ी देर तक जो है वो कार्टून देखेगी। एंड मुझे जो है लंच बनाना है, बाकी के सारे काम जो है घर में झाड़ू वाड़ू जो है वो हो चुके हैं। एंड मेड भी आके जो है पूरे काम करके चली गई, हम फ्रेश भी हो गए। एंड आज जो है मैंने टी शर्ट पहना है, टी शर्ट के साथ में ये पजामा पहना है। ये शलवार है एक्चुअली, ड्रेस के साथ की जो है होती है शलवार वो है, ये टी शर्ट है। बहुत दिन से टी शर्ट नहीं पहनी थी मैंने, तो मैं सोचा आज पहन लेती हूँ। क्योंकि गाउन गाउन जो नाइटी जो होती है, नाइटी पहन पहन के जो है मतलब कम्फर्ट बहुत मिलता है, 100% कम्फर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्री रिलैक्स लगता है। बट जो फीलिंग जो है बहुत बीमार वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है मैं सच में बहुत बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, एंड वो भी पहन के हूँ। एंड ऐसी वैसी फीलिंग आती है। इस वजह से जो आज मैं नहा के आते ही जो है मैंने आज ये टी शर्ट एंड पजामा पहन लिया है, थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए। आजकल जो है कार्टून जो है मैं पीकू के साथ में बैठ के देखती हूँ। आजकल जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कार्टून, जैसे कि मोटू पतलू एंड हनी बनी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं भी आजकल पीकू के साथ बैठ के देख रही हूँ। तो आज जो है मैंने दूध नहीं पिया है, प्रोटीन मिल्क जो मुझे प्रोटीन पाउडर के साथ जो पीना पड़ता है, मैंने बहुत पिया ही नहीं पहले। मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, सो मैंने सबसे पहले समोसे ही खा लिए हैं। तो अभी जो है मैं अपना प्रोटीन मिल्क पीऊँगी, एंड उसके साथ बैठ के कार्टून देखूँगी, एंड उसके बाद में जो है भिंडी वाली सब्जी, भिंडी की सब्जी एंड राइस बनाने वाली हूँ। विवेक जो है खा पी के सोए, विवेक इवनिंग तक नहीं उठेंगे, तो पीको के लिए और मेरे लिए ही बनाना है। तो मैं सिर्फ हम लोगों के लिए राइस एंड भिंडी की सब्जी बनाऊँगी, उतना ही इनफ होगा। फिर शाम को कुछ अच्छा बनाएंगे। फिर विवेक ने जो भरवा बैंगन बनाने के लिए बताया है रात के लिए, तो फिर वो शाम को बनाएंगे। अभी चलिए पहले दूध दूध पीते हैं, एंड आज का दिन जो है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ।
ओके सो फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पे अपने लिए दूध निकाल रही थी, साथ ही में जो है मैंने भिंडी की सब्जी एंड राइस जो है कुछ चढ़ा दिए थे, और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए दूध निकाल रही थी, तो मैंने यहाँ पे दूध निकाल के अपने लिए दूध पिया, मतलब प्रोटीन पाउडर डाल के। तो अभी जो है मैं चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जो है मुझे जो है मेरा प्रोटीन पाउडर जो है थोड़ा चेंज करके दिया है, तो ये वाला दिया है उन्होंने। इसका टेस्ट जो है इतना बेकार है, इस पर लिखा है कि चॉकलेट फ्लेवर, बट इसका टेस्ट इतना गंदा है कि बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। बट ऑब्वियसली पीना तो पड़ेगा, क्योंकि बेबी के लिए एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, तो पीना तो पड़ता ही है। एंड इसको पीने के बाद जो है मुझे वोमिटिंग हो जाती है अगर ब्रेकफास्ट के बाद में पीती हूँ तो मुझे जो है आज भी जो है वॉमिटिंग हो गई थी, तो फिर मैं बिल्कुल भी जो है व्लॉग को कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। एंड शाम को फिर ग्रहण वगैरह था, तो इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाई। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, सो आज जो है वो नेक्स्ट डे है। मैंने कल जो है बिल्कुल भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि जो है कल आफ्टरनून में मैंने व्लॉग में भी शूट किया था, उसके बाद में मुझे पता चल गया कि कल जो है इवनिंग से ही जो है वो ग्रहण का प्रभाव चालू होने वाला था। तो इस वजह से जो भी सावधानियां जो है बरतनी है प्रेग्नेंट वूमन के लिए, वो कल रात से ही करना था। तो फिर इस वजह से जो मैंने ब्लॉग कुछ नहीं शूट किया, मैं फटाफट से जो है मैंने खाना वाना बनाया, जो भी कुछ बाहर की काम बाहर के जो भी काम थे मेरे, मैंने वो सारे निपटा लिए, क्योंकि विवेक घर पे नहीं थे। सबसे मेन विवेक जो है वो गए थे ड्यूटी पे कल, एंड बहुत लेट आए वो कल। इस वजह से जो है मुझे फटाफट से करना था, सारी चीज़ें खुद होके करना था 8:30 बजे से पहले। तो इस वजह से जो मैं उन्हीं सारे कामों में लग गई, तो मैंने जो है व्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं किया। एंड आज मॉर्निंग से तो ग्रहण ही था, तो सारी चीज़ें जो है बहुत संभल के करनी थी, क्योंकि इस साल का ग्रहण जो था सबसे भयानक वाला ग्रहण था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज सुबह से जो है मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ। एंड विवेक ने बहुत अच्छे से मेरी केयर की, बहुत अच्छे से केयर की विवेक ने, मुझे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया। इवन चाय से लेके मैगी से लेके उन्होंने मेरा सुबह का अंडा बनाने से लेके सारी चीज़ें जो है विवेक ने की, खाना बनाया, खाना परोसा, एवरीथिंग, पूरा सब कुछ विवेक ने किया। तो इस वजह से जो मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई। एंड सुबह से नहाया धोया भी नहीं था, क्योंकि कहा गया था कि ग्रहण में नहाना वगैरह नहीं है ग्रहण खत्म होने के बाद में। तो फिर इवनिंग में जो है मैं नहाई धोई हूँ, एंड उसके बाद विवेक ने जो खाना बनाया था, विवेक ने जो है बहुत सारा खाना बना के रखा था, क्योंकि उनको लगा कि अगर इसको भूख लगी तो फिर कैसे बना पाएगी। इसलिए जो है विवेक ने सुबह ही बहुत सारा खाना बनाया था। एंड पीकू वहाँ पे खेल रही टावेल से, जो उसने अपने बालों को लंबे कर लिए हैं, तो विवेक ने सुबह ही बहुत मतलब आफ्टरनून में बहुत सारा खाना बनाया था, तो वही था। तो अभी जो हम लोगों ने पानी पूरी बनाई थी, गरम पानी पूरी जैसे बनाते हैं, मतलब जो चटनी होती है जो ग्रेवी टाइप में जैसे बनाते हैं, जो गरम पानी पूरी वाले भैया लोग रहते हैं, मतलब पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ तो उसको गरम पानी पूरी कहते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेवी जो होती है वो गरम गरम और पतली ग्रेवी रहती है उस चटनी की। तो वो लोग वैसे ही गरम ग्रेवी सर्व करते, बट मैंने गरम नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद में खाया था, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा गरम नहीं खाना चाहिए कहते हैं, थोड़ा सा हानिकारक होता है। तो आप लोग वो देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो है आलू की चटनी, जो ग्रेवी वाली चटनी जो है वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें सबसे पहले थोड़े से प्याज डाले हैं, उससे पहले जीरा डाला था मैंने, और उसमें जो है अभी हमारे जो बेसिक स्पाइसेस है जैसे कि हल्दी, मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद में जो है मैंने एक आलू जो है काट के रखा था, मेरे पास अभी उबालने का टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे ही काट लिया था, इसको फिर पकाया मैंने, और मैं सिर्फ एक ही आलू की चटनी बना रही हूँ, तो ये बहुत जल्दी से पक गया था। तो ये मेरी रेसिपी है एक्चुअली, वो ठेले वाले पानीपुरी वाले जो भैया लोग होते हैं वो कैसे बनाते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट ये मैं अपनी रेसिपी मतलब अपने क्रिएशन से बना रही हूँ, बट बिल्कुल ठेले वाले भैया की जैसी ही बनी थी ये, एकदम यमी। तो मैंने कच्चा ही आलू लिया था, बिना उबाला वाला, आप उबाला वाला भी ले सकते हो तो आपका थोड़ा टाइमिंग जो है बच जाएगा, बट मेरे पास टाइम नहीं था अभी कि मैं पहले उबालूँ एंड डन वेट करूँ, इस वजह से तो मैंने इसको ऐसे ही पका लिया। ये बहुत अच्छे से पक गई थी आलू। एंड अभी जो यहाँ पे मैं जो हूँ, चाट मसाला जो मिलता है पानीपुरी के साथ में, मतलब पानी बनाने वाला चाट मसाला, काला नमक, इसमें सब मिक्स था, एंड जलजीरा वगैरह सब इसमें मिक्स होता है, मतलब खट्टेपन के लिए, वो पानीपुरी वाले टेस्ट के लिए, तो वो डाल के मिक्स किया। एंड लास्ट में जो है मैं धनिया डाल रही हूँ यहाँ पे। एंड अभी इसके बाद में जो है मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी कम लगा, मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया, क्योंकि आलू जो है पानी खींच है इस वजह से, तो मैंने इस कंसिस्टेंसी में इसको फाइनली रखा।
एंड ये जो है देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रही थी एंड खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर कभी ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो पानी ये पूरी तलने वाली जो क्लिप है मेरे से मिस हो गई थी, तो इस वजह से मैंने जो इसको लास्ट में ऐड कर दिया। एंड आप देख सकते हो पूरियाँ जो है इतनी फूली फूली तल के निकलती है कि मतलब देखते ही जो है दिल बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। एंड चटनी जो है उसकी फ़ोटो मैंने विवेक को भेजी थी, तो विवेक ने भी कहा था कि बहुत ही यम्मी दिख रही है। तो मेरे लिए भी बचा के रखना, एक्चुअली वो ड्यूटी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भी बचा के रखना, मैं भी खाऊंगा। एंड विवेक ने भी जो है पेट भर के पानी पूरी खाए थे। वैसे तो वो कभी पानी पूरी, नूडल्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, बट उनको जो चटनी जो है इतनी पसंद आई कि उन्होंने पेट भर के पानी पूरी खाई थी। तो आप लोग भी ज़रूर उस रेसिपी को ट्राई करना, ऐसे कभी चटनी बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। ओके सो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से और एक बात शेयर करनी थी। आप लोगों ने पानी पूरी की रेसिपी देखी होगी एंड जितनी दिखने में यम्मी लग रही थी वो चटनी थोड़ी सी ग्रेवी वाली, उतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। एंड मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं वैसे बनाऊँ। एंड एक्चुअली वो पीको को मेरे तरफ से ट्रीट था सबसे पहले बात, इसीलिए मैंने बनाया। वरना आप लोगों में से बहुत से जन मुझे कमेंट करोगे अभी कि दीदी आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हो या कुछ, जैसे कि मैंने मैगी वाला भी ब्लॉग दिखाया था जिस दिन मैंने मैगी बनाई थी, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए थे। एंड किसी एक ने जो है मुझे इंस्टा पे भी आके बहुत प्यारा सा कमेंट किया था। मैं मतलब ऐसे दिल से लगा के ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं यही अच्छे से कह रही हूँ कि मतलब आप लोगों को मेरे बारे में इतनी परवाह, इतनी ये है, इसलिए आप लोगों ने कहा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूँ कि हम लोगों ने उस दिन पानी पूरी लाई थी तो कुछ बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज बना लूँ इस वजह से, वरना मैं डेली नहीं खा रही हूँ। एंड रही बात मैगी की, तो हम लोग सिर्फ संडे टू संडे ही मैगी बना रहे हैं। एंड प्रेगनेंसी में ऐसे होता है ना, हेल्दी फूड से ज़्यादा जो है जंक फूड ही अच्छे लगते हैं, चटपटी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस वजह से दिल को नहीं रोक पाती हूँ, बट फिर भी जो है मैं रोज़ नहीं खा रही हूँ मैगी, सिर्फ संडे टू संडे ही खा रही हूँ। एंड पानी पूरी जो उस दिन लाए थे तो आधे बच गए थे, बस अच्छा बना ले एंड ख़त्म कर ले, वरना उसी के पीछे जो है वो दिल मतलब रहेगा ना, उसी में मन रहेगा घर में अगर दिखेंगे तो, इसीलिए। एंड आज तो सबसे पहली बात पीकू के लिए ट्रीट बनाई थी, क्योंकि आज पीकू को मैंने थोड़ा सा डांट दिया था। आजकल जो है पीकू मान नहीं रही, अकेले जो है छत पर भाग जाती है या हवा भाग जाती है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज डांटना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इस वजह से देन मैंने उसके लिए थोड़ा सा ट्रीट जो है पानी पूरी का बना लिया। एंड मुझे भी कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा सा इस वजह से। तो होप आप लोग समझ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, मेरे लिए इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो बस आज का यही तक का था ब्लॉग, कल मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय बाय।